हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डैडी चैनल पर स्वागत है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर एंड तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो आज हम बनाएंगे आलू के पूड़ी, जो बिल्कुल बिहारी स्टाइल में है। तो सबसे पहले हमने आलू को उबाल करके लिया है, चार पांच आलू है बराबर। उसके साथ हम ऐड करेंगे दो प्याज को हमने महीन से बारीक काट लिया है, साथ में लहसुन है दो गांठ और हरी मिर्च है सात से आठ, आप तीखा के अनुसार रख सकते हैं। इधर हमने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा करके सरसों तेल ऐड किए हैं और अब हम आलू को उसमें फ्राई करेंगे। तो उससे पहले हम सरसों तेल जब गर्म हो गया है तो उसमें हमने जीरा को ऐड किया। जीरा जब चटक गया है तब हम इसमें ऐड किए हैं प्याज को, पहले जो बारीक हमने काट करके रखा हुआ था उसे पहले हमने हरी मिर्ची को ऐड किया और साथ में लहसुन को ऐड किया है। हल्का फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को जो हमने बारीक काट के रखा हुआ था, और हल्का ब्राउन होने तक उसे हम फ्राई करेंगे। गैस हम मीडियम फ्लेम रखेंगे दोस्तों, ताकि हमारा प्याज सही से फ्राई हो सके। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इधर हम तब तक आलू वाले हुए थे, पांच आलू बराबर था, उसको छिलका हटा करके हमने महीन से बुक लेंगे। और इधर प्याज को भी चलाते रहेंगे ताकि सही से हमारा प्याज फ्राई हो। तो हल्का ब्राउन होने तक जब हम प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे मसाला सबको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें ऐड किए एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और दो से तीन चम्मच हम मिक्स मसाला पाउडर ऐड किए हैं, जो हम बराबर बोलते रहते हैं, जो इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, धनिया जीरा काली मिर्च लाल मिर्च गरम मसाला पाउडर, ऊपर से हमने फिर भी एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और कुछ पानी हम इसमें ऐड कर दिए क्योंकि सूखा मसाला था। और मसाला को अब हम अच्छा से 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड किए हैं। मसाला जब हमारा अच्छा से तैयार होगा उसके बाद ही हम इसमें आलू को ऐड करेंगे। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें आलू को ऐड किए और अच्छा से मसाला को मिलाएंगे आलू के साथ, और इसका पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और हम बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बनाए हैं आलू पूरी फ्राई।
तो आलू हमारा तैयार हो चुका था, आटा गूंथ करके अब हम पूड़ी बना रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देख रहे होंगे किस तरह से हमने आटा को गूंथे हुए हैं और उसमें आलू को भर करके पूरी बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है आटा में आलू को भरना। जब ये अच्छी तरह से हम दो तीन बना लेंगे उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। भरने के बाद यानी कि आलू भरने के बाद हम इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और देखिए किस तरह से हमने इसको तल लिया है फ्राई पैन में ही तेल डाल करके। अभी हमारा अच्छा से फ्राई हो चुका है, ऊपर नीचे करके हमने पूरी को अच्छा से तल लिया और अब हम इसे निकाल लिए। इसी तरह जितना हमको बनाना होगा उतना हम पूरी बाय बाय दोस्तों। कमेंट बॉक्स में और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाय बाय दोस्तों, फिर